गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्निकस गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो प्लांट आप सबके सामने मैं लाई हूं उसे देखिए, है ना बहुत ब्यूटीफुल। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये प्लांट, आप इसे गौर से देखिए, इसके लीव्स को देखिए कितने कलरफुल है ना। अंदर जो है डार्क पर्पल, फिर इसके स्ट्राइप्स है ऐसे, और कुछ जो है वो ऐसे ग्रीन है। और देखिए ये जो प्लांट है ये हमारे हैंगिंग बास्केट में है। मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में जो है वो टांग के रखा है अपने बालकनी में। इस प्लांट का नाम है वंडरिंग जियो। इजी टू केयर है ये प्लांट, इसे देखिए हैंगिंग बास्केट में बहुत क्यूट लगता है ये। इसके ट्रेल जैसे नीचे भी है, थोड़ा ऊपर भी है, और ये प्लांट इजी टू केयर, मैंने पहले भी बता दिया बहुत ही इजी है केयर करना इसे। केवल एक बात की ध्यान रखनी चाहिए आपको, वो ये कि इसे जो है मिट्टी जो है ये सॉगी नहीं होना चाहिए। वेल ड्रेनेज पॉट में इसे दीजिए, और जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए, बहुत ही ड्राई, तब आप इसमें पानी दीजिए। नहीं तो क्या होता है फ्रेंड, इसके जो है रूट्स गल जाते हैं। क्यों गल जाते हैं वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना आप, इसके स्टेम्स ये जो देख रहे हैं, इसको अगर आप थोड़ी सी उंगली से ऐसे काटने की चेष्टा करें तो आप देखेंगे उसमें पानी भरा हुआ है। तो इसके स्टेम्स में पानी भरा होने के कारण इसे आप अगर अधिक पानी दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सड़ जाएगा। और इसके मिट्टी के लिए गार्डन सॉयल, वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों ही काफी है, और ये इंडोर आउटडोर दोनों ही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये एयर प्यूरिफायर है, यानी ये आप जहां भी रखे, वैसे तो इसकी खूबसूरती उस जगह को चार चांद लगा देगी। फ्लावर की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए आपको अगर घर के कोई भी कोना डेकोरेशन करना हो, और सबसे बढ़िया बात जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये जो है हैंगिंग बास्केट में बहुत बढ़िया रहता है। और एक बात मैं बताऊं इसकी प्रोपोगेशन के बारे में, इसके प्रोपोगेशन वेरी इजी है। और जैसे देख रहे ना आप, मेरा ये बास्केट बहुत ही बूशी है, तो ऐसा बूशी अगर आप चाहते हैं आपका भी जो है पॉट, प्लांट का जो पॉट ऐसे बूशी हो, तो आप क्या कीजिएगा, इसके जो है प्रोपोगेशन कीजिए यहां से कट कर, यहां से जहां नॉट होता है, मैं दिखा रही हूं ये जो नॉट है, यहाँ से आप काट लीजिए, इस पत्ते को निकाल दीजिए, और इसे आप चाहे तो पानी में भी रख सकते हैं, और चाहे तो मिट्टी में भी दबा सकते हैं। ज्यादा दिन नहीं लगता है इसका, 6-7 दिन में आराम से नए जो है रूट्स निकल आएंगे। और एक मजे की चीज मैं दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ से मैंने काटे थे इसको और फिर ये आ गया इस तरह से। जहां जहां आप इसे काटेंगे वहीं से फिर निकलना शुरू हो जाता है, बूशी बन जाता है ऐसे। देखिए काफी इसके ट्रेल देखिए नीचे की तरफ होता है। और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह इसके कटिंग से मैंने क्या बनाया है। देखिए ये देखिए, एक जो है ये पॉट है,
ये केवल कप में मैंने पानी में रखा हुआ है। कलर देखिए इसका, और एयर प्यूरिफायर होने के कारण इसे मैं अपने बेडरूम में रखती हूँ। और एक बात दिखाऊँ आपको, ये तो हो गया पानी की, और देखिए, और इसे मैंने मिट्टी में दबा दिया है। मिट्टी में देखिए, फूड कंटेनर में मिट्टी में कितना बढ़िया लग रहा है, ये है ना। और इसे आप चाहे ऐसे भी रख सकते हैं घर के अंदर, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको छोटी छोटी पॉट में हैंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो हैंगिंग बास्केट में इसकी ब्यूटी और भी खुल जाते हैं। वैसे ही जहां इसे रखे ये अपना तो ब्यूटी दिखाई ही देते हैं। और फर्टिलाइजर की बात करें तो इसे ज्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है, इसे जो है आप 3-4 महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए। फर्टिलाइजर ज्यादा मत दीजिए, इसे ज्यादा फर्टिलाइजर पसंद भी नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं कई इसके इस तरह से यहाँ जो है पानी में, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन के साथ इसके कॉम्बिनेशन, पर्पल और वो ग्रीन है ना। तो इस तरह से आप काट काट के क्या कर सकते हैं, इसे पानी में लगा सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो इसका जो है बास्केट में, हैंगिंग बास्केट में, वैसे कहीं भी इसे लगा दें। हैंगिंग बास्केट में फ्रेंड्स, मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में ना बहुत खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत है इसका। देखिए लीफ ऊपर से जितना सुंदर है, जितना डेकोरेटिव है, और लीफ के पीछे भी आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको दिखा दूं इस लीफ के पीछे, देखिए डार्क है, ऐसा लग रहा है ना जैसे सिल्कन है पत्ते की जो टेक्सचर है, और जो कलर है देखिए, ये कुदरत की करिश्मा एक बार देख लीजिए आप, ऐसा लग रहा है ना कितना सुंदर पर्पल कलर, और ऐसा लग रहा है जैसे सिल्कन है, पूरा सिल्क जैसा। बीच बीच में एक ही उसमें से बीच बीच में देखिए ये पर्पल है, ये थोड़ा सा लाइट पर्पल के साथ फिर ग्रीन बॉर्डर, बहुत खूबसूरत है। और कहीं से भी आपको थोड़ी सी इसके यहाँ से सोचिए, आपके फ्रेंड्स वेंड्स के घर में हो या कहीं भी आप देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा कट कर लीजिए और अपने घर में लाकर आप लगा सकते हैं, तो ऐसा धीरे धीरे वो खुद ही अपने आप बढ़कर ऐसे बुशी बन जाता है। और इसे फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो अपने गार्डन में, वैसे जमीन पर भी, या किसी जगह को जो है वो कवर करने के लिए आप जमीन पर भी लगा सकते हैं ये बहुत ही, और उसको कटिंग करके अगर शेप में लाए तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वंडरिंग ज्यू आप अपने घर में जरूर रखें, बहुत ही खूबसूरत है, एयर प्यूरिफाइंग फ्लावर है, सॉरी नॉट फ्लावर, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है ये, बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। और जब और भी मजा आएगा फ्रेंड, अगर आप देखेंगे कि ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी केयर में अगर सपोज आप भूल भी जाए इसे पानी देना तो ये मरता नहीं है, लेकिन आप अगर ज्यादा केयर ले लेंगे इसके और पानी ज्यादा ज्यादा देना शुरू कर देंगे तो हो सकता है इसकी जो जड़ें जो है वो सड़ जाए ज्यादा पानी से, गीली से। और ये जो मैंने रखी है ना पानी में, ये 7 दिन में अपना रूट निकल आएगा इसके, और उसको फिर आप कहीं भी मिट्टी में, गमले में, कहीं भी आप दबा सकते हैं,
लगा दीजिए, बहुत ही बुशी बन जाएगा। और फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।